चलिए आज की इस क्लास में मैं आपको मेथड ओवरलोडिंग के बारे में बताऊंगा। मेथड ओवरलोडिंग की जरूरत कब होती है? जब हमें काम एक करना हो या क्लोजली रिलेटेड टास्क करने हो। क्लोजली रिलेटेड टास्क जैसे सम करना है, बट कभी आपको सम करना है दो नंबर को, कभी आपको सम करना है तीन नंबर का, या एरिया निकालना है, कभी सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं, कभी आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं, बट निकाल एरिया ही रहे। तो इसके लिए हम लोग मेथड ओवरलोडिंग का यूज करेंगे। व्हेन वी हैव द मोर देन वन मेथड विद द सेम नेम, जब कभी एक से ज्यादा मेथड का नाम सेम हो बट विद डिफरेंट सिग्नेचर, बट विद डिफरेंट सिग्नेचर, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। ये जो सिग्नेचर होते हैं ना, वो तीन होते हैं। पहला नंबर ऑफ द पैरामीटर, जैसा आप देखिए मेथड का नाम सेम है समसम, बट ये दो इंटीजर की वैल्यू लेगा और यह तीन इंटीजर टाइप की वैल्यू ले सकता है। तो जब हम दो वैल्यू डालेंगे तो दो वाला चल जाएगा और तीन डालेंगे तो तीन वाला चल जाएगा। बट मान के चलिए कहीं पर ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि हमारे पास दोनों मेथड में हमें दो ही दो पैरामीटर डालने हैं, तो फिर आप वहां पर डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले वाले में दो इंटीजर हैं, दूसरे वाले में एक इंटीजर और एक हमारा फ्लोट है। सो जावा कंपाइलर इजीली कैन डिफरेंशिएट कि जब हम दो इंटीजर की वैल्यू डालेंगे तो पहला वाला चलेगा, और अगर हम एक इंटीजर डालें और एक फ्लोट डालें तो ये वाला चलेगा। तीसरी में जो बात करूंगा आपसे, विच इज रिलेटेड विद द ऑर्डर, एक जगह पर लेटर सज्यूम, हमारे पास पैरामीटर भी दो हैं, डेटा टाइप भी सेम है, तो आप उनका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ दैट, लाइक एक जगह पर हमने फ्लोट और इंटीजर कर रखा है और दूसरी जगह पर हमने इंट और फ्लोट कर दिया। सो दीज आर थ्री सिग्नेचर्स, ये तीन सिग्नेचर होते हैं। इसको बेहतर समझने के लिए मैं आपको एक प्रोग्राम बताने जा रहा हूं, उसे आप एक बार देख लीजिए प्लीज, overdemo.java। यहां मैंने कमेंट में एक लाइन लिखी है, राइट अ प्रोग्राम विच क्रिएट एन ओवरलोडेड मेथड टू फाइंड द एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल। देखिए काम एक है, एरिया कैलकुलेट करना, परंतु उनके इंप्लीमेंटेशन अलग है। दिस इज नोन एज अ स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो मैंने एक क्लास बना ली कैलकुलेट नाम की, देखिए एक एरिया मेथड ये है, दूसरा ये है, एंड दिस इज द थर्ड वन। सो इसमें मैंने मेन नहीं बनाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो बस ये मेथड ओवरलोडिंग समझनी। यहां पर देखिए एक पैरामीटर, ये स्क्वायर का एरिया निकाल देगा जब कभी हम एक वैल्यू डालेंगे। यहां पर एक वेरिएबल बनाया और स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा, एस इंटू एस। यहां पर हम रेक्टेंगल में एल और बी लेते हैं, एल और बी मींस लेंथ एंड विड्थ, बट देखिए यहां एक पैरामीटर था, यहां पर दो पैरामीटर है। यहां पर अगेन एक लोकल वेरिएबल बनाया एल इंटू बी, डबल कोट्स में कोई भी चीज है उसको मैंने एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट करा दिया, और यहां पर आके एरिया की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीचे वाला जो है उसके अंदर भी दो ही पैरामीटर हैं, परंतु वो डबल टाइप के। तो जब कभी कोई डबल टाइप की वैल्यू डालेगा, रियल वैल्यूज डालेगा, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डालेगा, तो वो इसको चलाएगा, यहां पर
ट्राइंगल में अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है देन विच इज 1/2 इंटू बी इंटू एच, बी इंटू एच 1/2 टॉकिंग अबाउट दिस. सो बेस इंटू हाइट की बात कर रहा हूं, बी एंड दिस इज द हाइट. हालांकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, 1/2 इंटू बी इंटू एच. सो इस पूरे प्रोग्राम में आपको क्या समझना था, मेथड का नाम सेम हुआ ना, एरिया एरिया और एरिया, और उनके सिग्नेचर अलग हो गए. इसमें एक है, इसमें दो है, बट इसमें भी दो है, बट उनका क्या अलग है, डेटा टाइप. दैट्स इट. आपको मैं सिंपल सिग्नेचर के साथ फैमिलियर करा रहा था. मेथड ओवरलोडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है बताइए, इससे रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है. आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो अलग अलग मेथड है. जावा ने अपने लिए भी इसका यूज किया है. अगर कोई पूछे कि भाई जावा ने मेथड ओवरलोडिंग का कहां पर यूज किया है, तो प्रिंटएलएन. ये एक प्रिंटएलएन नहीं है, ये जीरो पैरामीटर वाला हो गया, दिस इज फॉर द करेक्टर डेटा टाइप, दिस वन इज फॉर इंटीजर. सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग. मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं, देर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच इज रिलेटेड विद द मेथड ओवरलोडिंग. आपको डूज के साथ साथ डोंट्स भी पता होना चाहिए. जो मेथड का रिटर्न टाइप होता है वो कभी भी सिग्नेचर का पार्ट नहीं होता. देखिए यहां पर भी मेथड का नाम सम है और यहां पर भी मेथड का नाम सम है. इन दैट वी आर हैविंग टू पैरामीटर्स, यहां पर भी हमारे पास दो पैरामीटर हैं, बट देखो रिटर्न टाइप अलग था इसका. बिलीव मी इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिग्नेचर. इस क्रॉस का मतलब जानते हैं आप, क्रॉस मींस कंपाइल टाइम एरर. यहां पर एरर आएगी, CTE कंपाइल टाइम एरर. नेम ऑफ द पैरामीटर, नेम ऑफ द पैरामीटर इज ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ द मेथड सिग्नेचर. जो पैरामीटर का जो नाम है ना वो भी सिग्नेचर का पार्ट नहीं होता. ऐसा नहीं है कि आपने यहां ए और बी लिख दिया, यहां पर आपने नम वन और नम टू लिख दिया. नो, नंबर डेटा टाइप यही दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा. यू विल फाइंड व्हाट सीटी वंस अगेन कंपाइल टाइम एरर. एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आ सकता है, कैन वी हैव द मोर देन वन मेन मेथड इन अ प्रोग्राम? यस, बिकॉज ऑफ द मेथड ओवरलोडिंग, जहां पर मेथड का नाम सेम होता है और उनके सिग्नेचर अलग कर सकते हैं. एक में एरे ऑफ स्ट्रिंग, किसी में इंटीजर, आप ऐसे कर सकते थे. सिंपल ऐसे आप बना सकते थे इसे, जैसे एक जगह पर आप लिख देते void main जीरो पैरामीटर वाला, दूसरी जगह पर आपने लिख दिया int, एक इंटीजर की वैल्यू ले लेगा ये. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट मेथड ओवर लोडिंग. दैट्स इट. आज के सेशन में इतना ही रखेंगे. थैंक यू सो मच.